अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो व्यूवर्स, आज मैं आप लोगों के साथ दोबारा एक नया व्लॉग लेकर आई हूँ। एक नई बात जो कि हम बहुत बड़ी और ताज़ा तरीन बात कह सकते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैंने आप लोगों से अपनी पहले वीडियो में कहा था कि हम लोगों ने अली वीर को मैसेज किया था कि हमें सपोर्ट करें, तो उन्होंने हमसे हमारा चैनल का नेम पूछा था। तो उसके बाद मतलब कोई रिस्पॉन्स नहीं आया उनका, ठीक है। तो उससे पहले भी मतलब हम लोगों ने जो व्लॉग्स वगैरह बनाए हैं उसमें मैंने यही कहा था कि वो सिर्फ अपनों को सपोर्ट करते हैं, किसी को सपोर्ट नहीं करते और ना ही उन्होंने किसी को सपोर्ट करना है, ठीक है। तो इस बात का अंदाज़ा तो हमें हो चुका है और बाखूबी हो चुका है। अब जी, आज की जो ताज़ा तरीन खबर है, जो आज की हम जिसको लेटेस्ट न्यूज़ कह सकते हैं और सबसे बड़ी खबर कह सकते हैं, वो यही है कि आज उनके जोन से हैं, जो उनके आवाज़ भाई हैं, उनका जो चैनल है वो मोनेटाइज हो गया है और उनके जो है तकरीबन सब्सक्राइबर हैं वो 4K हैं, ठीक है। और वीडियो सिर्फ उनकी 11 है, यानी कि 11 वीडियोस पर उनके सब कुछ कंप्लीट हो चुका है, क्योंकि उनको अली वीर ने सपोर्ट किया था और इस वजह से वो आज कामयाब हो गए हैं। तो रही मेरी जो आज बात करने का मकसद है, वो ये है कि देखें, अगर अली वीर ने जिस तरह उन्होंने शुरू किया था चैनल आपके लिए, अगर उस तरह उसने उन लोगों को सपोर्ट किया होता, अपना समझ कर किया होता, तो क्या आज वो लोग भी अपना टारगेट कंप्लीट ना कर चुके होते? नहीं, उन लोगों ने उन लोगों को उस तरह सपोर्ट नहीं किया, यही वजह है कि वो लोग अपना टारगेट पूरा नहीं कर सके और ना ही उन्होंने हमने सपोर्ट किया। वो सिर्फ अपनों को ही सपोर्ट करते हैं और उसका हम लोग को आज बाखूबी अंदाज़ा हो गया है, क्योंकि इस तरह उन्होंने एक जो है असलम वीर, उनका चैनल शुरू किया था, उनके तकरीबन है 3.42K सब्सक्राइबर्स हैं उनके। और जस्ट आप लोग ज़्यादा जो हैरान कन बात है, अनबिलीवेबल, टोटली अनबिलीवेबल, कि उनकी सिर्फ जो वीडियोस 3 हैं, मतलब उन्होंने जो असलम वीर हैं उनकी सिर्फ 3 वीडियोस के ऊपर 3.42K सब्सक्राइबर्स हैं उनके। और बहुत ही मतलब बहुत क्या कहते हैं, बेयकीनी वाला आलम हुआ हुआ है कि मतलब हमारे यहाँ पर जो यूट्यूबर्स हैं वो साल हर साल मेहनत करते हैं, इतना काम करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं और इतना लंबा उनका टाइम लग जाता है, वो लोग मतलब इतनी जल्दी विद इन 6 days या विद इन अ वीक वो लोग अपना टारगेट अचीव नहीं कर सकते। तो मतलब ये सब कुछ क्या हो रहा है, बहुत ही हैरानगी की बात है। कम से कम अगर उन्होंने ये चीज़ शुरू की थी कि हम आपके लिए के चैनल जो उन्होंने शुरू किया था, इसमें उन्होंने कहा था कि हम अपने जो सब लोग होंगे, यानी कि जो आप लोग होंगे, हम आप लोगों के लिए बना रहे हैं, हम लोग आप लोगों को सपोर्ट करेंगे, तो उसमें उन लोगों को मतलब अनजान लोगों को वो सपोर्ट करना चाहिए था। लेकिन उन्होंने क्या किसी को करना, उन्होंने तो महज अपने लोगों के लिए ही वो चैनल बनाया था और वो अपने लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं उस चैनल के ज़रिए। अच्छा, अब यहाँ पर एक है उनके मुनव्वर वीर, ठीक है, तो उनका भी सुन लें आप लोग ज़रा कि कितनी वीडियोज़ हैं, कितने सब्सक्राइबर्स हैं उनके। तो उनके हैं 8.51K ये उनके सब्सक्राइबर्स हैं और उनकी जो टोटली वीडियोज़ हैं वो 12 हैं, मतलब उनकी 12 वीडियोज़ पर इतने सारे सब्सक्राइबर्स हैं। और सब कुछ जो उनका टारगेट था, इनके 1000 और 4000 वॉच टाइम का, वो सब कुछ कंप्लीट हो गया है। व्यूवर्स, ये सब कुछ क्या हो रहा है, कुछ समझ नहीं लग रही हम लोगों को कि मतलब देखिए, अगर वो इंसानियत के नाते ही इस चीज़ का ख्याल रखते कि मैंने खुद ही लोगों को इस चीज़ के लिए बुलाया है, उन्हें मदऊ किया है, उन्हें इन्वाइट किया है, उनके नाम पर एक चैनल बनाया है, तो मैं उन लोगों को सपोर्ट कर दूँ। लेकिन उन्होंने ऐसा हरगिज़ भी नहीं किया, उन्होंने सिर्फ अपनों को सपोर्ट किया, क्योंकि वो उनके अपने थे, उनसे उनका खूनी ताल्लुक है, वो उनके खूनी रिश्ते हैं या उनके वो अजीज़ रिश्ते हैं, उनके करीब तरीन रिश्ते हैं, करीबी रिश्ते हैं, इसलिए उन लोगों ने उनको सपोर्ट किया। और जो बाकी हम जैसे लोग हैं वो लोग पीछे रह गए और उन्होंने किसी को सपोर्ट नहीं किया। और ये बहुत ही दुख और हैरानगी, इनफैक्ट ये शॉकिंग न्यूज़ है कि इस तरह उन्होंने किया, किसी के अब सिर्फ अपनों के लिए ही किया उन्होंने, किसी को उन्होंने सपोर्ट नहीं किया, किसी अनजान बंदे को नहीं किया। आप लोग खुद ही देख लें कि अगर उन्होंने किसी को सपोर्ट किया होता तो क्या वो मतलब इस तरह सब कुछ आके वो शुक्रिया ना कहता, या वो इस तरह कहता ना कि हाँ जी हमारा इतने डेज में हो गया है, वो लोग आज खुश हैं। हमें किसी की खुशी से कोई हमें इशू नहीं है, हो ठीक है, सब लोग मेहनत करें, लेकिन सिर्फ हमें जो तकलीफ़ दे, जो हैरानगी की बात है, वो यही है कि मतलब हम लोग सब यहाँ पर मेहनत कर रहे हैं तो आप लोग मतलब इस तरह क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं आप लोग? अगर आप लोगों ने किसी का भला नहीं करना तो आप लोग किसी को आज भी मत दिलाएं, आप लोगों को बेवकूफ़ ना बनाएं। मुझे समझ नहीं लग रही कि ये लोग बेवकूफ़ हैं जो उनके पीछे लगे हुए हैं, इन लोगों को
वीडियो आपको बना लिया है, ये सब कुछ क्या चल रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, ये मतलब 6-6 दिनों में सब कुछ कंप्लीट हो रहा है, वो यहाँ पर छोटे यूट्यूबर्स हैं, इवन मेरे कुछ मतलब ऐसे जानने वाले लोग हैं जो कई सालों से मेहनत कर रहे हैं और वो अभी तक मतलब अपना टारगेट नहीं अचीव कर सके। हमारे साथ खुद ये मतलब इशू है, हमें व्यूज़ नहीं ज़्यादा आते, देखते नहीं है, हमारा काम इतना अच्छा होता है, हमारी मतलब बताने का अंदाज़ इतना अच्छा होता है, और इवन आप लोग ये जो सारे हमारे साथ है, जो आप हमारी फैमिली की तरह, आप लोग हमें इतना सपोर्ट करते हैं, लेकिन फिर भी हमारी जो व्यूवरशिप है वो ज़्यादा नहीं होती, हमें व्यूज़ ज़्यादा नहीं मिलते जिस तरह के मिलने चाहिए, क्योंकि हम लोग इतनी गर्मी में आप लोगों को सिखाने के लिए, हम लोगों ने आप लोगों के लिए चैनल बनाया है, तो मतलब इतना मतलब हम लोग काम करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, अच्छा अच्छा आप लोगों को प्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं कि आप लोग सीख सकें, आप लोगों को सीखने का मौका मिले, लेकिन फिर भी हमें उस तरह का रिस्पॉन्स नहीं मिलता जिस तरह की हमारी तवक्को होती है। तो बहुत ही अफसोस की बात है कि मतलब क्यों हम लोग तो समझते थे कि देहाती लोग, हम लोग मतलब बचपन में हम लोगों ने अपनी बुक्स वगैरह को पढ़ना तो उसमें लिखा था बहुत साफ वो होते हैं, सच्चे होते हैं, तो हम लोग खुद मेरे तो मतलब पर्सनली कभी मैं गाँव नहीं गई, ना ही मैंने कभी देखा है, तो हमें तो बस इस तरह इन लोगों के ज़रिए अगर हम अगर जान सकते हैं तो जान सकते हैं कि मतलब देहाती लोग कैसे होते हैं। तो इस तरह का इंप्रेशन पड़ना कि ये लोग सिर्फ मतलब कहते हैं, करते अपनों को हैं, अपनों को ही आगे लेकर आते हैं, किसी की मदद नहीं करते, तो ये कैसे मतलब बहुत ही बुरा और बहुत ही अफसोसनाक और दुख की बात है। तो मुझे आज ये बात नहीं करनी, लेकिन मैंने अभी वो देखा वीडियो, तो मुझे हुआ कि मुझे ये बात करनी चाहिए आप लोगों के साथ, क्योंकि उन्होंने अपने भाई को सपोर्ट किया और वो हो गए, तो वो हम लोग किसी से नहीं जा रहे, बस हम लोग की यही है कि देखिए जैसे वो देहाती लोग एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, वो अपनों को सपोर्ट कर रहे हैं, एटलीस्ट हम लोग तो एक दूसरे को सपोर्ट कर सकते हैं ना, ठीक है कोई हमें नहीं करता ना करे, हमें किसी से उम्मीद नहीं है, ठीक है हम लोग साफ कह चुके हैं कि यहाँ पर हाथी के दांत दिखाने के कुछ हैं, खाने के कुछ हैं, वो दिखाते हैं कुछ है, बिहाइंड द सीन कुछ होता कुछ है, तो मतलब टोटली एवरीथिंग इज़ गोइंग आई डोंट नो किस तरह सब कुछ चल रहा है, क्या हो रहा है, हम तो बस ढके छुपे अल्फाज में यही कह सकते हैं, जैसे हम लोग कहते नहीं मतलब जद्दी पुश्ती कारोबार करवाना, दादे से पोते तक को मतलब जाना, ये वाला कुछ यहाँ पर सीन हो रहा है, मतलब आप हमारा मान रखेंगे कोई कि कोई अम्मा जी के कहने पे कोई चैनल बना कर दे रहा है, तो कोई अब्बा जी के कहने पे चैनल बना कर दे रहा है, तो कोई अपने वीर के लिए आके बातें कर रहा है वहाँ पर कि जी तुम मेरे वीर नो सपोर्ट करो, तो मतलब भाभी जी ने भी तो आगे अपने भाई के लिए रिक्वेस्ट की थी कि जी असी असलम वीर दा किता चैनल तुसी उन्हें सपोर्ट करो, ठीक है करो सबको करो, आप लोग सबको करो, हम लोग नहीं रोकते भाई, लेकिन हमारा सिर्फ और सिर्फ कहने का मकसद यही है कि आप लोग दूसरों को गॉड से मत पागल बनाएं, आप लोगों ने पता नहीं अपने गांव वालों को या जो आप किन लोगों को आप लोगों ने पागल बनाया हुआ है कि रातों रात मतलब इतने दिनों में आप लोग क्यों इस तरह मतलब इस तरह गेन कर लेते हैं, हमें तो समझ नहीं लगती कि मतलब कैसा होता है, यहाँ पे लोग इतने सालों से मेहनत करते हैं, इतना स्ट्रगल करते हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं, हम सबको अप्रिशिएट करते हैं, ठीक है, लेकिन मतलब ये अपनी रोज़मर्रा की हम लोग यहाँ जा रहे हैं, हम वहाँ जा रहे हैं, हमने ये नाश्ता कर लिया, उसने मेरी मदद कर दी, मैं कुछ छोड़ने जा रहा हूँ, मुझको लेने जा रहा हूँ, मुझको ये करने जा रहा हूँ, क्या है भाई सब कुछ क्या चल रहा है, लोग मतलब इस चैनल पे भी हमें वही सब कुछ देखने को मिलता है, उस चैनल पे भी हमें वही सब कुछ देखने को मिलता है, उस तीसरे पे भी वही मिलता है, मतलब हर जगह आप लोग यही चीज़ दिखाई जा रहे हो, लोग इसी चीज़ के पीछे पागल हुए हैं, जहाँ अच्छा कंटेंट बनता है, जहाँ अच्छी चीज़ देखने को मिलती है, जहाँ आप लोगों को सीखने का अच्छा मिल सकता है, वहाँ पर लोग नहीं जाते, हमारा भी यही है कि हम लोग इतनी मेहनत करते हैं, इतना अच्छा दिखाते हैं, ठीक है हमारा कंटेंट भी अच्छा होता है, लेकिन फिर भी मतलब एक कुकिंग के हवाले से है, जहाँ पर आप लोग को बाखूबी यानी कि जो न्यू कमर्स हैं जिनको मतलब कुकिंग नहीं आती वो सीखना चाहते हैं, बहुत ईजी वे कि आप घर बैठे बैठे इस चीज़ को सीख सकते हैं, लेकिन नहीं यहाँ पर मतलब हर कोई अपने भाई को आगे लेकर आ रहा है, कोई अपने बहनोई को आगे लेकर आ रहा है, कोई कुछ कर रहा है, मतलब इस तरह सब कुछ ना मतलब अपने रिश्तेदारों को सिर्फ वो लोग सपोर्ट कर रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं, क्या मतलब ऐसा कोई नहीं है कि वो किसी अनजान बंदे को करे, अगर आप लोगों ने भाई इसी तरह उस चैनल की आड़ में अपने लोगों को सपोर्ट किया तो आप चैनल बनाने की क्या जरूरत है, आप लोगों ने क्यों वो चैनल बनाया, क्यों लोगों को बेवकूफ़ बना रहे, मेरा सिर्फ और सिर्फ आज बात करने का मकसद यही है कि हम लोगों को बजाय किसी और से तवक्का करने, क्योंकि अली वीर से तवक्का करना तो बिल्कुल बेकार है, उन्होंने आप किसी को भी सपोर्ट नहीं करना, क्योंकि आप लोगों को अंदाज़ा हो गया कि उनके कहने पर जब आप लोग ये देख सकते हैं कि 6 दिन के अंदर अंदर उनके अपने भाई का या उनके जो उनसे है वो फियाज भाई उनके भाई का हौसला हो गया, क्योंकि उन लोगों ने अपने साथ बैठा कर दिखा कर उनको इसका मतलब उन्होंने किया है, तो अब उनको इस चीज़ का अंदाज़ा हो गया, वो कभी भी किसी अनजान बंदे को ला के अपना शरीक नहीं बनाएंगे, वो कभी भी अपने मद्दे मुकाबले किसी को खड़ा नहीं करेंगे, तो करेंगे तो सपोर्ट सिर्फ अपने घर वालों को ही करेंगे, अपने जाने वालों को करेंगे, अपने भाई बहनों को करेंगे, इसके अलावा उन्होंने किसी को सपोर्ट नहीं करना, तो खुदारा लोगों आप लोग उनके पीछे लगना छोड़ दें, उनको छोड़ दें, वो लोग झूठे हैं,
कहते हैं वो नहीं करते, वो हमेशा उसके उल्ट उसके बरक्स करते हैं। तो आप लोग एक दूसरे को सपोर्ट करें, हम लोग भी दूसरे को सपोर्ट करते हैं, इसी तरह हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। छोटे यूट्यूबर्स के लिए एक दूसरे को सपोर्ट करना ही बेहतर है, बजाय इसके कि हम लोग किसी और से उम्मीद रखें। ये लोग बिल्कुल, इन लोगों से उम्मीद करना बेकार है। आप लोग छोड़ दें लोगों को, अगर आप लोग इस चक्कर में लगे हुए हैं कि अच्छा उन्होंने चैनल बनाया हुआ है तो वो करेंगे सपोर्ट, तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। क्योंकि प्यार भाई ने साफ उसे कहते कि मुझे अब कोई ना कहे, मैंने किसी का सपोर्ट नहीं करना। तो इसलिए अब आप लोग इस चीज़ को छोड़ दें। और ये बहुत आज मेरे लिए तो बहुत शॉकिंग सी बात थी, इसलिए मैंने आप लोगों से ये बात की कि मतलब देख लें आप लोग किस तरह हो रहा है। अगर आप उन्होंने किसी को किया होता, अगर फॉर एग्जांपल मैं अपनी बात करती हूँ, अगर उन्होंने हमसे पूछा था अलीवीर ने, तो उनको इतना तो होना चाहिए था कि मैंने पूछा है, किसी ने मुझे कहा है और मेरे कहने पर ही कहा है, किसी ने अपने तौर पर आकर तो आपको नहीं कहा कि आप हमें कर दें, आपके कहने पर आपने एक चीज़ को आके रखा कि जी हम लोगों ने ये काम शुरू किया है और ये आपके लिए है, तो आप लोग हमें कहें हम आपको करेंगे। तो हम लोगों ने किया लेकिन उन्होंने नहीं किया, तो वो आज आप लोगों के सामने है। वरना हम लोग भी मतलब अगर उन्होंने उसी तरह सपोर्ट किया होता जैसे उन्होंने अपने फ़ोन के रिश्तों को, अपने अजीज़ों कारीब को किया, ठीक है हमारा रिश्ता नहीं है फ़ोन का, लेकिन इंसानियत एक नाम भी कोई चीज़ होती है, इंसानियत के नाम पर भी आप कर सकते हैं। हम लोग मुसलमान हैं, मुसलमान होने के तो हम लोग आपस में बहन भाई हैं, तो आप लोग उस चीज़ का ख्याल रख लेते और उस चीज़ को मद्देनजर रखकर आप लोग मदद कर देते। मतलब सिर्फ हमारा ही, उन्होंने ऐसे कई लोगों को उल्लू बनाया, कोई उनसे घर मिलने जाता वो लोग नहीं मिलते, तो कहाँ कहीं अली भी सपोर्ट कर रहा है, कहीं बैठ के कहीं भाभी जी रिक्वेस्ट कर रही हैं कि तुम सानू सपोर्ट करो, साढ़े चैनल में सानू प्यार दो, साढ़ा मान। तो ठीक है भाई, हम लोग को भी इसी तरह आप लोगों पर मान है, हम लोग भी आपको कहते हैं कि हमें सपोर्ट करें। आप लोग जहाँ उनको कर रहे हैं वहाँ पर हम लोग भी हैं, सब लोग। ये एक प्लेटफॉर्म ऐसा है जहाँ पर हर कोई ग्रो कर सकता है, तो हमें एक दूसरे के साथ की ज़रूरत है और एक दूसरे के साथ ही हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। और हमें ये सोचना होगा और इस पर अमल करना होगा। मैं इन दी एंड फिर सिर्फ यही एक बात कर रही हूँ कि हमें किसी से कोई मसला नहीं है, कोई जो मर्जी करे। लेकिन मैं सिर्फ और सिर्फ अली भाई से यही रिक्वेस्ट करूँगी कि अली भाई, अगर आपने वो चैनल लोगों के लिए बनाया था, लोगों को कहा था कि हम आप लोग को सपोर्ट करेंगे, आप लोग आएँ, तो आप लोग उस चीज़ पर अमल करें। उस चैनल का कोई फ़ायदा नहीं है, उस चैनल को बनाने का कोई मकसद नहीं है। आप लोगों को बेवकूफ़ बनाना छोड़ दें, या तो आप इस बात को अपने मुँह से तस्लीम कर लें, क्योंकि अब लोग मज़ीद पागल नहीं बनेंगे, आपकी बातों में नहीं आएंगे। तो हम लोगों को ये भी एतराज़ नहीं है कि भाभी जी आके रिक्वेस्ट करती हैं, भाभी जी करें, वो अपने कंबल दिखाएं, अपने कपड़े दिखाएं, अपने सोफे दिखाएं, अपने बेड दिखाएं, अपनी शीट्स दिखाएं, हमें उससे भी कोई मसला नहीं है, वो जो मर्ज़ी दिखाएं। लेकिन हमें सिर्फ ये है कि आप लोगों को बेवकूफ़ मत बनाएं, क्योंकि आप लोगों के लोगों के सामने तमाम तर वराज, आपके तमाम तर असली चेहरे आ चुके हैं। क्योंकि आज आप लोगों ने खुद ही वीडियो बनाकर अपने आप को एक्सपोज कर दिया है कि हाँ जी भाई, हम लोग सिर्फ आप लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं, पागल बनाते हैं, हम लोग मतलब सीरियसली किसी को सपोर्ट नहीं करते, हम लोग सिर्फ और सिर्फ ड्रामा करते सपोर्ट करते हैं या कहते हैं, वो हम लोग अपनों को करते हैं। और वो आप लोगों ने अपने मुँह से तस्लीम कर लिया कि 6 दिनों में ये सबसे ज़्यादा लकी है कि इनका चैनल 6 दिनों में ग्रो कर गया है और ये सब कुछ मतलब जो रिक्वायरमेंट्स थी वो पूरी हो गई हैं। अगर इस तरह उन्होंने किसी और को किया था, तो आप लोग देख लें कि वो इस तरह मतलब हो गए हैं। तो अगर आप लोगों को अल्लाह ने इतनी इज्जत दी है कि आपके कहने पर लोग आप लोगों का मान रखते हैं, तो आप लोगों का भी मान रखें, इसी में बेहतरी है। तो मेरी भी आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी हम लोगों का मान रखें, हम लोग भी एक फैमिली की तरह है, आप लोग हमें सपोर्ट करें, हम आप लोगों को सपोर्ट करेंगे। यही हो सकता है कि हम लोग इस तरह मतलब एक दूसरे को मदद करके ही आगे जा सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। इसके अलावा मेरा आप लोगों से यही है कि आप लोग सिर्फ़ और सिर्फ अच्छे कंटेंट को देखकर ही प्रमोट करें, बिना एक ही चीज़ को जो आपको कोई यहाँ बैठकर नाश्ता बनाना सिखा देता है, वहाँ बैठकर ही आपको रोटी खाना दिखा देता है, और फिर आपको हम यहाँ जा रहे हैं, हम वहाँ जा रहे हैं ये दिखा देता है। खुदा रहा इसको छोड़ दें, अब इसके पीछे मज़ीद और पागल मत बने, आप लोग छोड़ दें। तो अब जो सही जो मतलब होता है ना लर्निंग का प्रोसेस, आप लोग लर्न करें और अच्छा करें। अगर आप लोग इस तरह लोगों को बेवकूफ़ बनाते जाएंगे तो फ़ायदा कुछ नहीं होगा ना, लोग मज़ीद बेवकूफ़ बने। ये आप लोग भी अक्लमंद, हर कोई समझ बूझ रखता है, सोच बूझ रखता है, तो आप लोग सोच रखें और अच्छा कदम उठाएँ। ठीक है, बल्कि दूसरों के लिए भी कहते हैं ना, कर भला हो भला, तो इस तरह भला होगा। तो अब मैं आप लोगों से इजाज़त चाहती हूँ, और मेरे भी अपने सब बहन भाइयों से रिक्वेस्ट है, अपने देखने वालों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग जहाँ हमें अप्रिशिएट करते हैं, जहाँ हमें आप लोग इतना सपोर्ट करते हैं, वहाँ पर हमें मज़ीद सपोर्ट करते रहें। हमारी दुआएं आपके साथ हैं। हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, हमारी वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप लोग कुछ हमसे रिक्वेस्ट करना चाहते हैं तो इंशाल्लाह हम लोग वो भी पूरी करेंगे।
और हम अपने तमाम सर बहन भाई का शुक्रिया अदा करते हैं जो हमारे साथ हैं पहले दिन से, हमारे साथ हमें सपोर्ट कर रहे हैं, हमें अप्रिशिएट कर रहे हैं। हमें आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। आप लोग हमारी वीडियोस को पूरा देखें, हम लोग भी इंशाल्लाह आप लोगों के साथ हैं। आप लोग हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल के लिंक को शेयर करें आप लोग, और हमें सपोर्ट करते रहें। हम लोग एक दूसरे के सपोर्ट के साथ इंशाल्लाह आगे बढ़ेंगे, और हम लोगों को एक दूसरे को सपोर्ट करना है, यही हम लोगों के लिए तरक्की का बाइस बनेगा। क्योंकि हम लोग कहते नहीं है इत्तेहाद में बरकत है, हम लोग इत्तेहाद और इत्तेफाक से ही आगे बढ़ेंगे, और हम लोगों को अपनी मदद आप ही करनी होगी। तो यही उसका आसान तरीका है कि हम लोग आप लोगों को करें सपोर्ट और आप लोग हमें सपोर्ट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोज़ को देखें, हमारे चैनल को ज़रूर विज़िट करें। जब मेरा हरगिज़ मतलब किसी को हर्ट करना नहीं है, मुझे सिर्फ और सिर्फ दुख था, गिला था, और बहुत ही दुख हुआ इस चीज़ का कि मतलब इस तरह उन्होंने अपने लोगों को किया और वो लोग हो गए हैं। अगर उन्होंने इस तरह हमसे पूछा था, बल्कि हमारे लोगों और लोगों को पूछा था तो उनको करना चाहिए था, क्योंकि हर कोई यहाँ पर अपने हिस्से का काम कर रहा है, हर कोई यहाँ मेहनत कर रहा है, तो हर किसी को उसके सब्र का और उसके काम का फल मिलना चाहिए। इंशाल्लाह मिलेगा, देर आए दुरुस्त आए, हम लोग कर रहे हैं, करते रहेंगे। इंशाल्लाह अल्लाह हमारे साथ है तो सब कुछ बेहतर होगा हमारे लिए। आप लोग हमारे साथ हैं, हम आप लोगों के लिए दुआ गो हैं। आप लोग हमें दुआ में याद रखिएगा। तो मैं आप लोगों से इजाज़त चाहती हूँ, इंशाल्लाह दोबारा आप लोगों से मुलाकात होती है। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।